दोस्तों नमस्कार वेलकम टू तो सी एस सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिकुल की एस क्यू एल ये लेक्चर स्पेशली डिमांड बेस पे आया है हमारे कुछ एक्सपेड्स थे उन्होंने हमें बोला कि एस क्यू एल पे लेक्चर लेके ले आइए और उसमें वो जो कमांड होती है उसमें बताइए लेकिन एस क्यू की कमांड को डिस्कस करने से पहले हमें लगा हमें एस क्यू के बारे में बताना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट कमांड पर लेक्चर देने से अच्छा था कि एस क्यू के बारे में जानना कि एस क्यू एल क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बाद हम इसकी कमांड के ऊपर आएंगे सो दैट टू लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एसपेंट डिमांड चलिए शुरू करते हैं एसक्यूएल। <coughs> एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज और एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड बेस लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड रिट्रीव द डाटा फ्रॉम रिलेशनल डाटा बेस एसक्ल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है डाटाबेस से डाटा कोक्रिएट डाटाबेस कोक्रिएट करने के लिए उस डाटा को फ्लैच करने के लिए एंड उसको मेनटेन करने के लिए एंड एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डाटा बेस को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डी बी एंड एज वेल एज इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट प्लेट डाटा बेस लाइक माइसिकल और एक्कल एस क्यू एल पोस्ट ग्रे ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं डाटा के नेक्स्ट एस क्यू एल इज़ यूज वेन वी हैव स्टक्टर डाटा अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर है तभी हम एस क्यू का यूज करेंगे इसके नाम से ही सजेस्ट स्ट्रक्ट है स्ट्रक्चर कॉल लैंग्वेज जो डाटा आपका स्रक्टेड होगा उसमें ही इसका यूज किया जाएगा डैट इज स्टक्चर का मतलब है जो तो आपका डाटा हुआ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या रिलेशन टेबल्स आपका रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है एंड टेबल को रिलेशन बोलते हैं आर डी बी आर डी बी एम एस के अंदर नेक्स्ट आता है ऐसे रिलेशन जिसमें ऐसी डाटाबेस जिसमें रिलेशन नहीं बनता या फिर कोई भी आपका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता वहाँ पर आपको यूज की जाती है नोज इक्वल देखिए ऑल डाटा बेस डैट आर नॉट रिलेशनल और डो नॉट यूज फिक्स स्ट्रक्चर टेबल टू स्टोर डाटा एंड दे डू नॉट यूज सिकुल जो सिकल को यूज़ नहीं कर सकते तो उनको क्या बोलेंगे नो सिक्वल डाटा बेस और इसकी एग्जाम्पल है मोंगो डी बी डाइनमो डी बी एंड कैसेंड्रा आपके तीन चार क्वेश्चन तो यहीं से कवर, कवर हो गए हैं पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कवर कि एस क्वल के पूरा नाम क्या है डैट इज स्ट्रक्चर क्वाली लैंग्वेज सेकेंड एसक्ल डाटा बेस की एग्जाम्पल क्या है माई सिकुल और एक कल एस क्यूल से वर्ड पोस्टली थर्ड क्वेश्चन एसक्ल जो है यूज की जाती है टू स्टोर सब्चर डाटा फोर्थ क्वेश्चन कि जो नो जो नो सिक्वल है उसके एग्जाम्पल क्या है दैट इज मगोडिबी डायनामोडिबी एंड कैसेंड्रा चार क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाते हैं चलिए समझते हैं एसक्वल की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में एसक्वल वाज डेवलप्ड इन 1970 ये आपका पांचवा क्वेश्चन तैयार हो गया कि एस्क्वेल आपकी कब डेवलप की थी उन्नीस में किसके द्वारा की गई थी आई रिसर्चर एंड कौन थे वो रिसर्चर रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन ये दो पर्सन थे रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चम्बरलिन इन्होंने एसक्यूएल को डेवलप किया था उन्नीस में आई कंपनी के द्वारा आई बी एम के ये सचा थे नेक्स्ट जब ये लैंग्वेज के डेवलप की गई उस टाइम इसको बोलते थे सिक्वल एस ई क्यू यू ई एल इसका पूरा नाम था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वारी लैंग्वेज एंड इट वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग एडगार्ड फ्रैंक फ्रडगार फ्रैंक कोड इसको बोलते हैं ई एफ कोड ये आपके रिलेशन डाटा बेस मैनेजमेंट के या फिर रिलेशन बोर्ड के फादर है पेपर इसको बनाने के लिए इसका यूज किया गया और रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर डाटा बैंक इन नाइनटीन सेवेंटी इसके लिए एस को बनाया गया इन दिस पेपर कोर्ट प्रपोज दैट ऑल द डाटा इन डाटा बेस बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशन कोर्ट ने बोला कि जो भी डाटा इसमें हम प्रेजेंट करेंगे वो रिलेशन के फॉर्म में होगा दैट इज रो एंड कॉलम के कम्बिनेशन के फॉर्म में होगा टेबल के फॉर्म में होगा बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इस थ्रोरी को इस थ्री को बेस बना के बॉयस ने एंड चम्बरलिन दोनों ने हाथ में और SQL को किया नेक्स्ट इन 1979 सेवनटी अ कंपनी कॉल्ड रिलेशनल सॉफ्टवेयर विच लेटर बिकम ओरेकल जो बाद में बाद में बनकर ओरेकल बनी कमर्शली रिलीज इज ओन वर्जन ऑफ एसक्यूएल इन्होंने अपना एसक्यूएल का वर्जन रिलीज किया जिसको बोला गया ओरेकल वी टू ओरेकल वर्जन टू सिंस देन द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ए एन एस आई ये एक्सटेंडेड है एंड द इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्जेशन ये भी हैव डीम्ड द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन रिलेशन डाटाबेस बेस कम्युनिकेशन इन दो स्टैंडर्ड के वजह से एसकुल को एक स्टैंडर्ड मिला और एक एक प्रॉपर लैंग्वेज बन गई कम्युनिकेशन करने के लिए डाटाबेस में एंड एसकुल बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर द ए एन एस आई इन नाइनटीन एटी सिक्स एंड फॉर आई एस ओ नाइनटीन एटी सेवन ए एन एस आई के लिए नाइनटीन एटी सिक्स में एसकल को स्टैंडर्ड मिला एंड इंटरनेशनल फॉर आई एस ओ के लिए नाइनटीन एटी सेवन में स्टैंडर्ड मिला एंड जो आपका रिसेंट आई स्टैंडर्ड है एसक्ल का वो आपका है एसक्ल टू थाउजेंड नाइनटीन आपका रिसेंट है राधर देन राइटिंग अ सिकल फॉर दे डाटाबेस मैनी कंपनीज यूज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद 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 बिल्ट इन एसक्यूएल एसक्यूएल के अंदर एक डीवीएमएस होता था एसक्ल को लिखने के लिए माई सिक्वल डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई ओरेक्कल माई सिक्वल है उसको डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया ओरेक्कल के द्वारा एंड इट इज

इसी भी आपके पाँच छः क्वेश्चन कवर हो हो सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि माई आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये आपका ओपन सोर्स है सेकेंड क्वेश्चन आपका यह हो सकता है कि आपका रिसेंट आई एस ओ कौन सा है दो हज़ार उन्नीस है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एस को एस स्टैंडर्ड कब बना एन एस ए का यह बना आपका नाइनटीन एटी सिक्स में अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आई एस ओ का स्टैंडर्ड कब बना नाइनटीन एटी सेवन में ऐसे करते करते और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके कि एस आपकी कब आई थी नाइनटीन सेवेंटी पर आई थी आई वी एम सचे के द्वारा रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चम्बरलिन अब हम जानते हैं यूसेज ऑफ एसक्ल या फिर हम कह सकते हैं एस्क्वल कैन डू एसक्ल क्या कर सकती है एसक्ल कैन एग्जीक्यूट क्वायरी अगेंस्ट डाटा बेस डाटा बेस के अगेंस्ट क्वायरी को चलाना एसक्ल का काम है रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटा बेस डाटा बेस से डाटा को अच करना इंसर्ट रिकॉर्ड डाटा को रिसॉर्ट करना डाटा अपडेट करना डाटा को डिलीट करना एंड क्रिएट न्यू डाटा बेस एज वेल एज क्रिएट टेबल इन डाटा बेस एंड क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन डाटा बेस एंड क्रिएट व्यू इन एटरबेस ये सारे ही यूजेज आपके एसक्ल के हैं and आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है ऑलवेज रिमेंबर दैट एसक्ल की वर्ड आर नॉट के सेंसिटिव जो भी कीवर्ड एसक्ल के अंदर यूज़ किए जाएंगे वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होंगे केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपने स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में जो लिखा गया है उनका डिफरेंट मीनिंग होता है केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड स्मॉल में लिखा और उसी की वर्ड को अपने कैपिटल में लिखा तो उन दोनों का अलग अलग मीनिंग है लेकिन एक्ल के अंदर यही नहीं चलता एस्क्वल इज अ नॉट के सेंसिटिव फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट सेक्ट कीवर्ड की सेलेक्ट एक कीवर्ड है जो एक्वल में यूज करते हैं हम क्वारी को फैच करने के लिए सेलेक्ट कॉब अगर आप स्मॉल लिखेंगे तब भी उसका सेम मतलब है या फिर इसको आप कैपिटल लिखेंगे तब भी सेम मतलब है इसका इट डजेंट मैटर इन एस्क्यूअल एंड नेक्स्ट चीज़ आपने निधा करनी है सेमीकोलन आफ्टर ईच एस्को स्टेटमेंट आपने हर एक स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन पुट करना है सेमीकॉलन इज द स्टैंडर्ड वे टू सेपरेट ईच एस क्यूल स्टेटमेंट इन डाटा बेस सिस्टम दैट अलाउ मोर देन वन सिको स्टेटमेंट टू बग्जीक्यूटेड इन द सेम कॉल टू दर्वर अगर आपने सेमीकॉलन लगाया है तो आपकी एक समय पर मल्टीपल स्टेडमेंट एग्जीक्यूट कर सकती है और हर एक सेगमेंट की आपने एंड करनी है सेमीकॉलन से ये देखिए आपको एक्जाम्पल दिया गया है सेलेक्ट स्टार फ्राम स्टूडेंट सेलेक्ट आपकी एस क्यूल की एक क्वेरी है डाटा क्वारी लैंग्वेज है सेलेक्ट स्टार का मतलब है कि सारे कॉलम स्टार का मतलब होता है कि ऑल कॉलम फ्राम स्टूडेंट स्टूडेंट आपका टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम को सेक्ट करो ये इसका मतलब हुआ और आपने इसको एंड करना है सेमी कॉलम से नेक्स्ट आता है एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल में हमारी टोटल पांच कमांड होती है डी डी एल डी एम एल डी सी एल डी टी सी एल डी क्यू एल इनका एक्रोनिम क्या है डी डी एल का एक्रोनिम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल डी एम एल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डी सी एल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज टी सी एल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड लास्ट डी क्यू एल डाटा क्वारी लैंग्वेज अब जानते हैं कि इन सब के अंदर अंदर कौन कौन सी कमांड आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पेपर में डेट क्वेश्चन आता है कोई कमांड दे दी गई होगी उसमें पूछते हैं आपको कि ये कौन सी कमांड है किसके अंदर आती है फर्स्ट आपकी आती है डी डी एल डी डी एल के अंदर आपके आती है क्रिएट ड्रॉप अल्टर ट्रंकेट नेक्स्ट आता है आपकी डी एम एल इसमें आती है आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट नेक्स्ट आती है आपकी डी सी एल ग्रांट एंड रिवोक टी commit rollback कमिट रोल बैक सेव पॉइंट ये सब कमांडिंग इनके अंदर आती है आपको ये सब याद रखनी है आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं हर एक कमांड के अंदर अपना ही यूज़ है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हर एक कमांड को हम डिटेल में समझ समझेंगे इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि एस क्या थी उसकी अबाउट के बारे में उसकी ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन के बारे में उसकी हिस्ट्री के बारे में एंड उसकी कमांड्स के बारे में और सम समब्रिवेशन हमने इसमें देख ली नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी कमांड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप अपनी क्वारी टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं साथ ही आप कमेंट सेक्शन पर भी अपनी क्वारी भेज सकते हैं आपकी हर एक क्वारी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी सी ए सोल्यूशन सी ए सोल्यूशन चैनल इसलिए खोला गया है योर डाउट अवर सोल्यूशन जुड़े रहें सी ए सोल्यूशन के साथ ऐसे ही एग्जाम और एग्जाम औरिएंटेड <coughs> कंटेंट के लिए प्लस और लेटेस्ट अपडेट एग्जाम रिजल्ट एडवर्टीजमेंट सिलेबस स्ट्रेटेजी फैक्ट एक्सेट्रा थैंक यू हैव अ नाइस डे